यूं तो नहीं पता क्या है प्रभु की रजा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 10 बज गए। तो गाइस करता हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। रात को क्या वेदर ने बहुत ज्यादा तांडव किया। तैयार होके बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका भाई बाबू बच्चा हो चुका है तैयार। और एज यूजुअल जैसे कि मैं पीता हूँ हॉट वाटर। अच्छा इधर क्या है, इधर भाई आप लोगों के लिए जो एडिटिंग करता हूँ वो काम है। आज यार वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एक्चुअली हुआ क्या, रात को, हाँ रात से मुझे याद आया, पहले भी जैसे बताया, रात को इतना तांडव हुआ ना भाई साहब। सो रहा था, बढ़िया सो गया था, 10 बजे सो जाता हूँ मैं, एकदम से इतनी आंधी तूफान आया। और मैंने उस तरफ देखो अपना कूलर भी सेट किया है, क्योंकि मैं 2-3 महीने एसी यूज़ नहीं करता। एसी को मैं उसी टाइम यूज़ करता हूँ जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो हुआ क्या, रात को बहुत ज़्यादा अंधेरी आई और मेरी जो है नींद उखड़ गई। और फिर आपके लिए मैंने कुछ विजुअल उसी टाइम ऑन द स्पॉट लिए हैं, जाके चेक करो, फिर करते हैं बात। दोस्तों बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आंधी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। बिजली जो है ना इतनी ज़्यादा चमक रही है, देखो बहुत ज़्यादा। ये अभी अभी कोई गाड़ी जा रही है। इस टाइम रात के 11:30 बजे हुए हैं। सोया हुआ था और इतनी ज़बरदस्त एकदम से आंधी आई और फिर बारिश। बेचारे यार किसानों का क्या होगा यार, सारी फसल काटने वाली है। दिख रहा गाइस कितनी बिजली चमक रही है। ओह माय गॉड, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब बिजली चमकती हो ना तो नीचे बैठो, छत पर मत जाओ। पर गाइस मैं आपके लिए छत पर आया हूँ। वैसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भगवान है, प्रभु है, उसके हम बच्चे हैं। यह तो एक बात समझता, जो यूट्यूबर होते हैं वो खुद के लिए नहीं जीते, अपने व्यूवर्स के लिए जीते हैं। हर टाइम कुछ ना कुछ बढ़िया मोमेंट कैद करने में लगे रहते हैं भी अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए। तो मुझे लगा भी ये कुछ मैं डिफरेंट करने जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट मैं कैद करने जा रहा हूँ। तो आपके लिए मैंने इसको कैद करने के लिए अब 11:30-12 बजे के आसपास मैं ऊपर छत पर आया हूँ। ठीक है गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो कैसे लगे विजुअल, मतलब उसमें भी मैं ये बोल रहा हूँ भी एक यूट्यूबर एक हिसाब से सनकी होता है बिल्कुल। वो अपने व्यूवर्स को इतना प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है विजुअल कैप्चर करने के लिए। ऐसे कुछ मैंने भी किया, रात को बता भी रहा हूँ आपको भी, जो है ना बड़े लोग मना करते हैं। तो चलो वो छोड़ो, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। यूं तो नहीं पता क्या है प्रभु की रजा, पर भगवान सच में तूने ले लिया हमारा मजा। लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ यार, बाहर जा नहीं सकते, ऊपर से इतना जो है बारिश तूफान अंधेरियाँ, और पतंग भी नहीं उड़ा सकते अब तो, क्योंकि बाहर से पतंग मिल नहीं रहे। जितने पतंग काइट्स मिले थे वो सब जो है ना निस्ते नाबूत हो गए। तो एक बात तो आज करनी भूल ही गया, वीडियो की शुरुआत नहीं की। हे गाइस, इट्स योर ब्रो युद्धवीर सिंह पवार एंड यू आर वॉचिंग योर चैनल विच जट ऑन ट्रैवल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सबने मुझे दुआ में याद रखा होगा और सब बड़े छोटे आशके होंगे। क्या कह, मैं भी आशके हूँ। सो बहुत बतिया लिया, चलते हैं बाहर, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। आ जाओ
बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा और हम हैं इस सूने टापू पर। अरे यार मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस ले जाते हो यार आप तो यार। ये देखो इधर, ये हमारे पीएम साहब का एलोवेरा लगा के देखना है। पहले वाला एलोवेरा तो हो गया खराब, मैडम का आदेश है अब इसको वापस लगा के दो। अब मिट्टी निकाली है, बढ़िया मिट्टी डाली है, और इसमें ये केले वगैरह और कई कुछ डाल के बढ़िया सी खाद वगैरह बना के मैडम को एलोवेरा लगा के देंगे। और इधर आपको पहले वाले व्लॉग में बताया है, तुम्हारे भाई ने लगाया है इधर शिमला मिर्च पुदीना। जहाँ तक डॉन को पकड़ने की बात है, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अरे यार डायलॉग मार के दिखा रहा हूँ यार तुम्हें। और बताओ, काफ़ी यारों दोस्तों का मैसेज आया मेरे पास, फ़ोन कॉल्स भी आई। एक तो मुझे ये बताओ यार, नंबर कहाँ से उठाते हो तुम? चलो, तो मुझे पूछ रहे थे पंचायत एपिसोड कैसा है। भाई सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूँ, घटिया चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। अपने को चीज़ होगी पसंद जो सबसे अश्क होगी, क्रीम होगी ना, उस चीज़ को अपने पसंद करते हैं। ऐरी गैरी चीज़ तो अपनी लिस्ट में नहीं होती, जो चीज़ मिलेगी टॉप पर मिलेगी और टॉप अप टॉप होगी, ठीक है। और एपिसोड बहुत अच्छा है, पूरा देख लिया, पूरी वेब सीरीज़ मैंने देख लिया पंचायत की, और काफ़ी कुछ सीखने को है। अब नया एपिसोड शुरू किया है मैंने, कौन सा कर्म सा, प्राइम वीडियो में द फैमिली मैन मनोज वाजपेयी। आई एम द बिग फैन ऑफ मनोज वाजपेयी, सलूट करते हैं उनका। वो वाला डायलॉग कौन सा, वो भी मार दूँ? ये पहले जो मैंने डॉन फिल्म का डायलॉग मारा है वो ऐसे नहीं मारा, कोई उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये डायलॉग बोलना था। बोल के दिखाऊं, करारा जवाब मिलेगा, सही नहीं हुआ, करारा जवाब मिलेगा। और एपिसोड से मुझे ये बात याद आ गई भी, अपना भी ये एपिसोड चल रहा है, हम वेले बैठे क्या करें, वेला पार्टी छोटा काम करो। तो यार ये बुटर की आवाज है ना, सारा दिन कानों में गूंजती रहती है, पहले वाले एपिसोड में भी गूंजी और इसमें भी। तो आप इसको सुपर डुपर हिट लाओ। अब लॉकडाउन के दौरान आप करें भी क्या, या तो पीएम साहब के काम, या हमारा कुछ, या एडिटिंग, या थोड़े बहुत पतंगबाजी। पतंगबाजी हो नहीं सकती क्योंकि हमें नहीं मिल रहे पतंग, और अब रेसिपीज़ हैं वो आपको बना के हम दिखा ही रहे हैं। इंटरटेनमेंट तो करना है ना। एक तो ये ससुरा, हमारा सारा ग्लो चले गया, लोगों का आता है हमारा जाता है, तो दोपहर को कुछ इसके लिए भी करेंगे। अब ये पगला गए हो क्या, हम कौन सा कुछ डिफरेंट करते हैं। Day 2. Good morning guys. This was another day. और आज भी देखो प्रभु वैसे ही है ऊपर, पूरा जो मौसम है ना इतना बढ़िया है, क्या बताऊँ आपको मैं। बट ये अपने सिटीज़ वालों के लिए तो बढ़िया है, बट फार्मर्स जो किसान हैं उनके लिए बढ़िया नहीं है यार, क्योंकि सभी फसल जितनी भी है अभी कटाई नहीं हुई। देखो, अरे वाह दिख रहा, आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीला नीला। तो कल व्लॉग को ख़त्म नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को एक दो ज़रूरी काम थे यार, कैप्चर नहीं कर पाया उतना मैं, और विजुअल बहुत अच्छे थे जो मैंने मिस कर दिए। बट ऐसा ना, यूट्यूबर की कुछ अलग से भी लाइफ होती है, तो उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं कर सकता था कैद, तो कर नहीं पाया यार उसको उस टाइम मैं, जो है सॉरी उसके लिए। तो आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन भी वैसा ही है, वैसे ही बादल हैं, कल रात को भी थे जैसे, तो ऐसे ही है। फिर प्रभु की इच्छा तो आपको पता ही है, प्रभु ने ले लिया हमारा मज़ा, वेदर का भी और लॉकडाउन का भी। अब हमारे यहाँ तो एक लिस्ट आ चुकी है, अब देखो क्या क्या उस लिस्ट में, कौन कौन सी शॉप जो है ओपन होंगी। चलो कुछ रिलैक्सेशन तो मिलेगी। अभी बात कर ही रहा था, एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने आ ही चुका है, बंदे ने मास्क जो है अब डाला है, मास्क है चिन्ह के ऊपर, और
चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। अब ये भी बंदा बेचारा अपनी जान हथेली पर लेके कमाई को निकला है और ये अब सड़कों पर धूम मचा रहे हैं, देख लो। और ऊपर से हम कह रहे हैं लॉकडाउन खुलना चाहिए। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो का एंड, और एंड में मैं यही कहूँगा मुझे दुआ में याद रखना और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है मेरे व्लॉग्स में, क्या क्या मुझे इम्प्रूवमेंट और करनी चाहिए, क्या कुछ किन के ऊपर मैं व्लॉग लेकर आऊँ, वो सब आप कमेंट के जरिए मेरे तक तो जा सकते हो। और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप भी मुझे प्यार करते हो और करते रहो। कीप ऑन सपोर्ट अस जाट ऑन ट्रैवल व्लॉग्स टीम। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बाय बाय और सत श्री अकाल।